Let's now get to an India Today exclusive. Amid this all-out showdown over Adipurush, we're getting you the first reaction from the filmmaker, from director Om Rao, who's broken his silence on this issue over the storm on the characters of Ravan and Hanuman in his film. He's spoken out. Here's an excerpt of that conversation. सबसे पहले मैं ओम से पूछता हूं, ओम आपने तो तानाजी जैसी फिल्में बनाई जो दर्शकों ने बड़ी पसंद की थी, हाउ डिड यू गो रॉन्ग विद दिस? और जो ये लगातार आरोप लग रहा है कि आपने रावण के लुक के साथ छेड़छाड़ की है, राम हनुमान सबके साथ, स्थिति ये आ गई कि अभी जो हमारा जो पौराणिक रावण का जो चरित्र है वो अब हमें अच्छा लगने लगा आपके रावण के सामने? ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है, कुछ गलत नजरिए से कुछ कुछ चीजें गलत दिख रही हैं लोगों को, उसके ऊपर मैं थोड़ा विश्लेषण देना चाहूंगा। सबसे पहले बात तो यह है कि ये फिल्म निर्माण करने का हमारा जो सबसे बड़ा गोल है, सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए है कि हम प्रभु राम की गाथा जो है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जो है उनकी गाथा हम विश्व में सब जगह दिखाना चाहते हैं। हम उनकी सीख जो है, जो हमारे सनातनी विचार हैं, उनको हम युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अगर मुझे उनको अगर रामायण की सीख देनी होगी एक फिल्म में तो ये नामुमकिन। आपने फिर रंग रूप क्यों बदल दिया पूरा? मुझे पूरा करने दीजिए। अगर हम इसको इस तरह से पेश करें कि जो हम युवाओं तक पहुंच सके, नई पीढ़ी तक पहुंच सके, तब हम जाके हम ये नई जनरेशन के साथ बात कर सकते हैं। इसमें कोई भक्ति कम है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई आर्तता कम है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारी श्रद्धा बहुत ज्यादा है। मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि हमने इतिहास के साथ, और मैं इसे इतिहास ही कहूंगा, ये हमारा गर्वी इतिहास है, हमने इतिहास को पूर्णता से उसकी पवित्रता रखते हुए ही काम किया है। जो आप रावण की भी बात कर रहे हैं तो रावण एक दानव है, एक रावण जो है कि वो एक कैसे कह सकते हैं, वो एक क्रूर ये है, तो उसे बहुत बड़ी मूछें और ये सब करके उन्होंने दिखाया था। वो बहुत ही एक वो जमाने के टाइम का वो एक राक्षसी एक रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था, रामानंद सागर सर जी के टाइम पे दूरदर्शन पे जो आया था। आपका रावण रामानंद सागर के रावण से अलग है? हमारा रावण जो है, जो आज के जमाने में जो डिमोनिक है, आज के जमाने में जो एक राक्षसी एक क्रूर जो 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 रावण है, जो जो कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिसने हमारी सीता मैया का हरण किया वो रावण है, वो रावण क्रूर है, वो रावण एक बहुत ही ये राक्षस है। तो आज के जमाने में अगर मेरे आर्टिस्टिक फीलिंग में राक्षस मुझे कैसे दिखता है, तो मुझे राक्षस ऐसे दिखता है। तो इसलिए अगर मैंने आप जो बोल रहे हैं उसका रंग बदला, वो रंग बदला नहीं है, वो रंग उसका वही है, क्योंकि उसका रंग एक पर्टिकुलर किरदार की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे विषय का रंग बहुत ही धार्मिक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर एक रेफरेंस पॉइंट लेता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा है वो हमारे भारत में हम रामानंद सागर के रामायण को मानते हैं या फिर कैलेंडर में जो चित्र है उसको मानते हैं, तो आपको नहीं लगा कि आपने एक बहुत बड़ा एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट कर लिया? इसके पीछे क्या मंशा थी कि जो उसमें एक खिलजी वाला लुक दिखाई दे रहा है? नो, बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है। अगर आप रावण की बात करें तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, रावण मेरे लिए एक हम हर साल रावण दहन करते हैं ना, अगर मैं डिमोनिक की बात करूं, अगर मैं डीमन की बात करूं, अगर मैं कोई राक्षस की बात करूं, असुर की बात करूं, तो मुझे वो आज के जमाने में मुझे असुर वो दिखता है। जैसे आपने पुष्पक विमान को, किसने कहा पुष्पक? सुधीर जी, किसने कहा पुष्पक? किसने कहा पुष्पक विमान तो हमारा पवित्र है, किसने कहा पुष्पक? उसके लिए फिल्म 95 सेकंड, सर 95 सेकंड ऑफ द फिल्म हमने क्या दिखाया है? पुष्पक विमान वो तो मायावी है, रावण वो खुद मायावी है, वो दानव है, वो मायावी है, वो पुष्पक विमान है, किसने बोला? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस फिल्म में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो जनता का जो बैकलैश आया है, जो जनता को जो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, क्या आप अब अपना जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा फिल्म में, क्या उसमें आप उसके हिसाब से बदलाव करेंगे? या हम सबको सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, तो जो जो लोग बोल रहे हैं, जो जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं,
हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ नोट कर रहा हूँ, जो जो चीजें हमारी को करेक्ट है, जो जो चीजों का बदलाव करने की जो बातें कर रहे हैं, जो जो ऐसी चीज सबकी हम नोटिंग कर रहे हैं। एंड जब आप फिल्म देखोगे, जब जनवरी में ये फिल्म रिलीज होगी, बहुत टाइम है इसको आने को, जनवरी में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मैं किसी को निराश बिल्कुल नहीं करूंगा।